अरे नवाब, ये क्या कर रहे हो? वो भी रोते हुए? बस क्या बताएं, हम अपने नसीब के परतों से बदनसीबी का छिलका उतार रहे हैं। किसको क्या कर रहे हो? जमीन के मदार के गिर्द घूमता सितारों को कला कलम कर रहे हैं। नवाब, ये जो तू बोल रहे ना, ये मेरे दिमाग ना दही बना रहा है। आम अल्फाज में बोल, तू कहना क्या चाह रहा है? देख नहीं रही है, अमूरे खानदानी निभा रही है। तुम जो बोल रहे हो ना, मुझे जरा सी भी नहीं समझ आ रही। तुम ये समझो मैंने तुम पे लानत भेजी। हम तो उस मिसले आतिश की तरह हैं जो मुझे बुझे ही बुझ गया हो। हाँ भाई नाम के नवाब, क्या हो रहा है? हमारी किस्मत की शलवार का फटा हुआ पांचा। किसकी कमीज का पांचा? हमारी शलवार का पांचा। तो बताओ, एहतमामे तो आम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वैसे क्या बना रहे हो? टींडे। मैं टींडे खाऊंगी? जाहिर है, जब हम टींडे पका रहे हैं तो आप वही खाएंगी। मुझे टींडे नहीं पसंद। तो कोई बात नहीं, आप इनका नाम बदल दीजिए। मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे और तुम ये टींडे ले आए हो। 500 तो आप हमें ऐसे ही कह रही हैं जैसे आपने हमें अमरीकी सिक्का राजुल वक्त यानी के $500 दिए हो। भाई खुदा का खौफ कीजिए, महंगाई देख रही है कहाँ पहुँच गई है। आने वाले वक्तों में ना 500 रुपए में सिर्फ दुकानदार हमें शापर दिया करेगा। मुझे नहीं खाने ये टींडे। लो बताओ, काश हमारे अबाओ इजाद अपनी आशियों को मुस्तकबिल की लगाम डाल के रखते। तब नहीं बता रही। नवाब साहब, बड़ी उदासी छाई हुई है आपके मुंह पे। बस ठीक है, अब काम ही कर रहे थे हम, उदास तो नहीं है, खुशी है। काम? और आप? मैं ब्यूटी पार्लर से भी होके आ गई हूँ, आपका भी खाना नहीं बना। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो क्या कहते हैं, तवक्कुफ से काम लीजिए आप। हम अभी आपके लिए तो आम तैयार किए देते हैं, आप फिक्र क्यों कर रही हैं। वैसे आप बना क्या रहे हैं? नवाब साहब, आपको पता है ना कि मुझे दो चीजों से सख्त नफरत है, एक आपकी ठड़क से और एक इन टींडों से। मैं बता देती हूँ आपको, ये टींडे आप खुद ही खाएंगे, मेरा गोश्त खाने को दिल कर रहा है। अभी बड़ी ईदाने में कुछ वक्त है, ठीक है? और दूसरी बात सुनिए, ना आप सोनी है और ना मैं महीवाल कि अपने नर्म और नाजिक जिस्म का गोश्त आपको फ्राई करके खिला दें हम। है नवाब साहब, अगर मुझे खुदकुशी करनी हुई ना तो और भी तरीके बहुत हैं, खाइए ये टींडे खुद ही। ला बताओ, टींडे ना हो गए रकीबे रोसिया हो गए। ला बताओ, हम तो बना देते, जिसने खाने हुए खाएगा, जिसने नहीं खाने हुए ना खाए। ला बताओ, इतनी मेहनत करो, किचन में सारा दिन काम करो, टींडे बनाओ इनके लिए, और फिर इनकी बातें सुनो। किचन में काम करो लग समझ आती है। क्या हुआ, आपने हाथ क्यों छुपा रखे हैं? क्यों आपने मार खानी है? नहीं भाई, मुझे लगा कि मतलब क्या वो बात है, को क्या मसला है, को परेशानी है? नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, सर्दी लग रही है मुझे नवाब साहब, ठंड हो गई है बहुत ज्यादा। लो बताओ, जरा किचन में थोड़ी देर काम कीजिए ना, आपको लग समझ जाए, अच्छी भली गर्मी है अभी भी। हाँ, मैं क्यों किचन में काम करूँ, आपको मैंने किस लिए पाल रखा है, मेरा मतलब है आपको किस लिए रखा है मैंने। तौबा या भाई, बहस में आपसे कोई नहीं जीत सकता। खैर छोड़िए, हमने आपके लिए वो टींडे जो नया बना दिए हैं, बस आ जाइए और जल्दी से तनावल फरमा लीजिए। नवाब साहब वो मर गई। हाय, नेक खातून थी, चली गई। चलो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, अच्छा हुआ चले गई, अच्छी उम्र थी उनकी जाने की, ऐसे लोग ऊपर ही अच्छे लगते हैं। आपकी वालदा मोहतरमा, बहुत अफसोस। नवाब साहब, मैं अपनी वालदा की नहीं, मैं भूख की बात कर रही हूँ, मर गई है। या अल्लाह तौबा, ये कहा था कि आपने किसी छोटे मोटे दुश्मन पे हमला किया है। नवाब साहब, ये भूखे पेट की डकार थी। खाली पेट की एक ऐसी डकार है जिसके अंदर से हमें जबरदस्त मुर्गन किस्म की बिरयानी की खुशबू महसूस हो रही है। बिरयानी? नवाब साहब, ऐसी बिरयानी क्या होती है? लो बताओ, अब यही रह गया कि हम आपको बिरयानी के अज्जाए तरकीबी भी बताएं। खैर छोड़िए, आ जाइए, टीने तनावल फरमा लीजिए, खाना लग गया वहाँ। नहीं नवाब साहब, मैंने नहीं खाना। लो जी, बकौल आपके, आपकी डकार तो भूख वाली है ना। नवाब साहब, आप यानी कि भानो बीबी से आप बहस करेंगे? बहस नहीं, एहतजाज, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब तो धरना होगा भाई, धरना। अच्छा, एहतजाज?
और धरने की वजह? आप खुद खाएं बिरयानी और हमें आप टिंडों पे डर खा रही हैं। नवाब साहब, हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है। वैसे भी बिरयानी मैंने अपने पैसों से मंगाई थी। कम अज कम हमारे लिए 4 अदद चमचे ही छोड़ देती हैं आप, हमारे मुंह का जायका ही बदल जाता। आपने बदलना ही है ना, तो अपने आप को बदलिए, काम कीजिए और मुझे भी खिलाइए और खुद भी खाइए। लो बताइए, कमाने के लिए ना सरमाए की जरूरत होती है। आपने हमारे वालिद मोहतरम की दुकान इस घर में झोंक दी, आप बताए हम कारोबार कहाँ से करें? कम अज कम दर पदर जाने से जान तो छूटी, बस अब तो अल्लाह से एक ही दुआ है आपसे भी जान छूट जाए। जौजा मोहतरमा, मत भूलिए कि हम आपके सरताज हैं। आप सरताज नहीं, मेरे सर का दर्द है कमबख्त मारा। मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं फिर? हाय, आपको बेइज्जती महसूस होगी? शुक्र है, वैसे तो आप बेइज्जती प्रूफ हैं। मत भूलिए ये घर मेरा भी है। सोचना भी नहीं, ये मेरा घर है नवाब साहब। मैं जब चाहूँ ना आपको इस घर से बाहर कर सकती हूँ। कागजात तो मेरे नाम पे। कागजात? वैसे नवाब साहब कागजात है कहाँ? वो तो हमने तो आपको दिए थे ना हमने। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या मतलब हुआ भाई? शाबा, निकलो इस घर से 1 मिनट से पहले, और जब तक आपके अंदर का ठरकीपन खत्म ना हो ना, तो इस घर में कदम भी ना रखना नवाब साहब। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाय हाय, मैं ही कर रही हूँ नाइंसाफी आपके साथ। पानो बेगम, याद रखिए एक बात, ये जो कुछ भी आप हमारे साथ कर रही है ना कोई तो जरूर देख रहा होगा। और यकीन कीजिए, खुदा की लाठी ना बेहबाज होती है, आपका पूरा हिसाब लेगा वो, मैं बता रहा हूँ आपको। जाए जाए जल्दी जाए, मेरा हिसाब लेंगे, जो किचन में आप खाते हैं उसका हिसाब तो होगा नहीं। सारा मेरा बिरयानी का टेस्ट खराब कर दिया कमबख्त मारो ने। भाई साहब बात सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये रोड है को बागीचा तो नहीं कि आप यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं? जगदा हिस्ट्री का नाम है, जिधर चले उसका जाती बाग, जिधर पाँव रखो अपना सैल है। हो बाबू जग्गा जग्गा। हाँ भाई, कौन जग्गा? मैं जग्गा, मैं खुद जग्गा, और तेरे सामने बागड़ बिल्ला खड़ा। देखिए मगा साहब, ओ मगा नहीं आए, वो जग्गा नहीं जड़ा। जग्गा जम्मे ते होने वधाइयां ते पिंडी विच धमाला पै गया। ओ जग्गिया, ओ जग्गिया। जी हम इन खराफात से जरा दूर ही रहते हैं, हम जरा फिरंगी गाने सुनते हैं, अपना अपना मूड है। खैर मुझे ये बताइए कि यूं हमारे सामने से काले बिल्ले की तरह गुजरने की कोई खास वजह? टैक्स। टैक्स? किस चीज का टैक्स? जग्गा टैक्स। जग्गा टैक्स? ये हमने जनरल सेल टैक्स सुना था, कोई जनाना मर्दाना सारे किस्म के टैक्स हमने सुन लिए हैं। मोटरसाइकिल के टैक्स तक हम दे देते हैं, और तो और चाय की पत्ती लेते हैं उसमें भी टैक्स देना पड़ता है हमें। ये जग्गा टैक्स क्या आया भाई? नहीं ये मेरा टैक्स है, जग्गा टैक्स। यहाँ से जो गुजरेगा ना वो टैक्स दे के गुजरेगा। वाह बात खूब भाई है, यानी कि ये सड़क सरकार की है, और आप हमें तंग करें, हटिए हमें जाना है यहाँ से। बच्चे तू जगह को ले रहा है इजी, बच्चा जो स्कूल के लिए ना उठे ना, मैं जगह का कह के जगाती है, निकाल जो कुछ भी है तेरे पास। हाँ भाई बात सुनिए, क्यों बार बार आप हमें तंग कर? सुनाइए। अबे उतरने तो दे। देखिए बात सुनिए, सुनाइए। कुछ को लो जो कुछ कुछ मुझू ना करो, निकालो। इस इंसान को आप लूट रहे हैं, देखिए हमारी तो जो जेबें हैं ना वो मिसरे सरकारी खजाना खाली है, यकीन कीजिए। हाँ जी, ऊपर वाले फ्लोर में कुछ देखो। ये पकड़ो, बल्कि ऐसे नहीं है, ऐसे पकड़ो। ओके, यूं करके। हाँ ठीक है, ऐसे रखो। ठीक है, मैं देखता हूँ। बात सुनिए जगह भाई, यूं ना कीजिए, आप हमें ये 1000 रुपए का नोट दे दीजिए। यकीन कीजिए, इस 1000 रुपए के नोट से हमने बानो बेगम के लिए मेकअप का सामान लेना है ना। चल निकल। अबे 1000 रुपए के लिए बच्चे की जान लेगा क्या? भगा भगा के दिखा दिया। देखिए मगा भाई, मेरा मतलब है जगह भाई, ये 1000 रुपया हमारी जिंदगी है। यकीन करें, अगर आप ये 1000 रुपया हमें नहीं देंगे ना, तो बहुत ही अजीब तो गरीब किस्म की सिचुएशन में फंस जाएगी हम आपको क्या बताएं, आपको पता है।
आंख, मेरे पास और नहीं है, ये भी आंख। तेरा दुख ज्यादा है, मेरा तो कुछ भी नहीं। माला खुश रखे आपको, यकीन कीजिए कि कभी आपको पुलिस ना पकड़ सके, और अगर पकड़ भी ले तो आपको ड्राइंग रूम की सैर ना कराए, और अगर खा ड्राइंग रूम की सैर करा भी दे तो साथ आपको जूस पिलाएं, यकीन कीजिए। दिल आपने हमारा खुश कर दिया, यकीन कीजिए। जिसम तेरा गेंडे वाला है, दुआएं तू बेबी डॉल वाली दे रहा है। असल में हम नवाब बब्बन हैं, नवाब इब्ने नवाब, यानी के नवाबों के आखिरी चश्मो चराग। ये तो कुछ भी नहीं, अभी जो तुझे असल में मशवरा देना है ना, तूने अगर उस पर अमल कर लिया ना, तुझे तुझे बेगम से जान छूट जाएगी। हाँ? बेगम तेरे पांव के नीचे। हाँ? तू उसका सर का ताज। मैं कैसी लग रही हूँ? शीशा देख लो। शीशा तो मुझे देख के गुमसुम हो गया। एड्डी तो होर परी। ये तुम्हें कहां से मिले? जहां पे तुमने छुपा के रखे थे, और साथ ये भी। उतारो फौरन ये जेवर, और ये पैसे भी मुझे दो। ये खाला गुलनार की अमानत है, और तुम अच्छे से जानती हो खाला गुलनार को। नाम की गुलनार है, चलती फिरती अंगार है पूरा। एक शर्त पर। वो क्या? तुम मेरी अच्छी सी पिक्चर बनाओ। अब ये क्या कर रही हो? फेसबुक पे अपलोड कर रही हूँ। अब इसे फेसबुक पे अपलोड करने की क्या जरूरत थी? ताकि मेरी सहेलियाँ देखें और जलें। दो मुझे। और सुनो, उतारो ये जेवर भी, और ये पैसे भी वहीं रखो जहाँ से उठाए थे। और सुनो, बानो और नवाब से किराया ले आओ। सही है। ना बताओ, देखो बुजुर्गों का कहा सच्ची साबित होता है, यानी कि आपके शोहर नामदार बाखुदा आज इस आजमाइश से बचकर आए, और आपको यह हार श्रृंगार की पड़ी है। हाँ तो हार श्रृंगार क्यों ना करूं? हार श्रृंगार बना मेरे लिए है नवाब साहब। सामान ले आए आप? हाँ जी ले आए, देखिए रख भी दिया। आप क्या करें, और हम कुछ पैसे बचे? 100 रुपए बचे थे। लाइए 100 रुपए मुझे दीजिए। क्या मतलब? यानी कि अब आप वो वाला 100 रुपए का नोट भी हमसे मांगेंगी जो हमने इतनी पैसों मुबाइसे के बाद बचाया था? हाय नवाब साहब, ये 100 रुपया जो है ना मेरी कमाई का है, आपकी थोड़ी ना है। लाइए जल्दी से दीजिए। अरे एक मिनट, देखने तो दो। आप इन्हें छोड़िए, आप ऐसा कीजिए कि हमें देख लीजिए। हाँ हाँ, नवाब साहब को देख लीजिए, क्योंकि इनके बाद तो मैंने इनको दफनाना है। और तुम ये मुंह उठा के कहाँ चली आई हो? मैं इस घर का किराया मांगने के लिए आई। किराया? और इस घर का मत भूलो, ये घर बानो बीबी ने खरीदा है। लगता है तुम दोनों पिछला एपिसोड भूल गए हो, वो रॉकेट तुम लोगों को चूना लगा गया था, लेकिन इस बार घर खाली। कोई किराया क्रूया नहीं है भाई, चलो निकलो यहाँ से, चलो शाबाश जल्दी। कैसे किराया नहीं, मैं किराया लेके जाऊंगी। ये ऐसी की तैसी, क्या लेके जाएगी? किराया। ये लो किराया। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? ऐसे मारा। चलो निकलो। इसका बदला मेरी वो बहन लेगी, क्योंकि वो ब्लैक बेल्ट है। हाय हाय, ऑटो पे लगी हुई है ये तो। बाना बेगम, भैया क्या जुल्म ढाया आपने है? वो नाजुक गुलाब जैसे गालों के ऊपर आपने अपने मजदूरों जैसे हाथ से चमाट धर दिए। नवाब साहब, ये जुबान तालू के साथ लगा लीजिए। ये जो दर्द आपको महसूस हो रहा है ना, ये ना हो कि आपके गालों पे आ पड़े फिर। बाना बेगम, हमें लगता है कि अब यहाँ पे ना जंगे पलासी शुरू होने वाली है। आपने सुना नहीं, उनकी बहन ब्लैक बेल्ट है। चल हट, अगर वो कराटे की चैंपियन है तो मैं भी कुश्ती की चैंपियन हूँ। तो अब भाई हमें लगता है कि हमें इस मकाम से अब कूच कर लेना चाहिए भाई। हाँ जी बिल्कुल, कूच कीजिए और सीधा किचन में मेरे लिए चाय बना के लाइए, सर में दर्द है। बातें करवा लो इनसे, हर हराम कहीं के सारा मेकअप मेरा खराब कर दिया, मुंह पे दे मारूंगी मैं। हाँ ले आइयो किराया। किराया तो नहीं दिया, अलबत्ता उसने मेरे गाल जरूर लाल कर दिए।
क्या? हाँ, उस बानो बेगम ने मुझे मारा है। उस छिपकले ने तुम्हें मारा है? अमरीन जाके ना उससे मेरा बदला लो। ये पकड़ो, तुम देखो तो सही मैं उसका हाल क्या करती हूँ। ब्लैक बेल्ट में कोई मजाक नहीं है। लेकिन तुम तो ब्लैक बेल्ट हो। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, उसने धोबी पटका देके मुझे नीचे गिराया, फिर उठाया और घुमाया और जमीन पर पटक दिया, और ये भी कहा अब यहाँ नजर ना आओ। तो अब क्या होगा? तुम फिक्र ना करो, मेरे पास इनका इलाज है। दोबारा पिटने का इरादा है? उन्हें इस घर से तो क्या, इस शहर से निकलना पड़ेगा। और ये काम करेगा जग्गा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, माफ कीजिए। हेलो, माफ क्यों कीजिए? वो इसलिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ओ बाजी, मैं जग्गा हूँ। जग्गा? हाय हाय, जग्गा तुम हो तो मैं क्या करूँ, गाना सुनाऊँ तुम्हें मैं क्या? ओ देखे, मैं यहाँ पर काम। अच्छा, तो तुम काम के लिए आए हो? ये दो मुँह का थोबड़ा लेके अबे चल जाए, यहाँ पे काम नहीं है। बाजी 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 बाजी, ए मोटू, ये बाजी किसको बोला तुमने? बाजी, मैं इस घर के मालकन से मिलने आया हूँ। घर के मालकन तो मैं हूँ, बात कर। आपका नाम क्या है? क्यों, तुम नादरा से आए हो? वैसे मेरा नाम बानो बीबी है। मुझे समरीन अमरीन से मिलना है, जो इस घर की मालिक है। अच्छा, वो दो छिपकलियाँ नहीं है वो घर में, चल जा। क्यों नहीं है? वो इसलिए कि वो इस घर की मालिक नहीं है। ये घर बानो बीबी ने खरीद ली है रॉकेट से, अब वो यहाँ नहीं है, चल जाओ। ऐसे कैसे नहीं भाई, मेरी फोन पर बात हुई है उससे, वो अंदर ही है, आगे से हटो भाई, हट जाओ, हट जाओ, जाने दो भाई। मेरी बात सुन, अरे बात सुन, ये दो मुंह का खोपड़ा लेके कहाँ जा रहा है? बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी डर गई। ये कौन है? ये जग्गा डाकू है। ये उस बानो को भगाएगा, वो भी इस घर से? ओए, आप जगह को इजी ले रही हैं। मैं तो कहती हूँ, पहले तो बात से दो थप्पड़ों की थी, लेकिन इस बार किसने मारे हैं थप्पड़? क्यों पड़े हैं थप्पड़? कहाँ से आया है ये थप्पड़? ओ अलाउद्दीन की औलाद, उस बानो ने मारा थप्पड़। हम दोनों को मारा थप्पड़। किराया मांगा तभी पड़ा थप्पड़। बस अब होगा थप्पड़ों का साहब, फिर करेंगे मकान खाली तो फिर करेंगे बाकी बात। चलो जरा मेरे नाम। नवाब साहब, अरे जाने से पहले एक बार भी मुझे बताया कि मैं अकेली रह जाऊंगी। नवाब साहब, आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, कुछ तो बता के जाते। बर्तन कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, मैं तो अकेली रह गई हूँ। मैडम बेगम बस कीजिए, तो अब आप इतनी ओवर एक्टिंग करती हैं, हम आराम कर रहे थे, क्या लूला फरमा रहे थे हम। हाँ तो मैं कौन सा रो रही थी, मैं भी तो एक्टिंग ही कर रही थी। मैं तो भला रोने की एक्टिंग इसलिए कर रही थी कि आप कभी मर गए तो मुझे रोने में कोई दिक्कत ना हो। कैसी बातें कर रही हैं आप, मतलब क्यों हम मर जाएंगे? अजीबोगरीब बातें कर रही हैं, लो बंदा रहा तो घड़ी आराम से सुकून से आराम भी नहीं कर सकता है। और वाला बताएंगे हैं भाई, अजीबोगरीब किस्म की आपकी कुछ आदतें निकली हैं, यानी कि हम जब इस दुनिया से कूच करेंगे तो आपको ये गम खाए जाएंगे। आओ भैया, आओ 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 जरा आओ मेरे साथ आओ। आओ, अरे ये गोल मुंह उठा के कहां चल दिए भाई? तो गोल थोपड़ा साथ ही रहना, साल लगा हुआ जो। हां भाई, ये बताओ किसने मारा थप्पड़? मैंने मारा थप्पड़, और किसने मारा? तू तो निकल, वरना तुझे तो मैं मैं पूछ रही थी, ठंडा लेंगे गरम? गरम पी लेंगे, ठंडा साथ ले जाएंगे। हाँ जी, इसने मारा था मुझे थप्पड़। मुझे भी मारा था इसने थप्पड़। पहले तो होगा थप्पड़ों का सब, फिर ठंडा गरम चलेगा। कैरी ऑन बाजी। प्लीज नेक्स्ट। वाओ, चलो रहने दो। वैसे बात तो है रुसवाई की, लेकिन क्या करें,
करनी जरूरी है। वैसे समरीन और अमरीन, आपको पता है कि इन्होंने तो बहुत ज्यादा आपके साथ वो धोबी प्रचार की है। आपको तो समरीन इन्होंने दो थप्पड़ रसीद किए थे, और अमरीन आपको तो उठा उठा के इन्होंने पटखा था, दो ही पछाड़ दिया था, थप्पड़ भी मारे थे। जलील और रुस्वा किया वो अलग। नवाब साहब, ये तो होगी तुम्हारी अपनी बकवासियत। जगह की सुनो, सिर्फ 2 घंटे। ओ शुशुरली, 2 घंटे? 2 घंटों में ये घर खाली चाहिए। अरे बताएं अपना जगह भाई, ये क्या मुक्तिशन सा वक्त दे रहे हैं 2 घंटे? कम से कम 2 साल का वक्त तो देना। 2 साल का वक्त दे? तू मेरी खाला का बेटा है। बस जगह एक ही दफा बात करता है, जो कह दिया वो कह दिया। बाबू 2 घंटे, चलो बाजी। लगता है ना हाथ भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं बानो बेगम, हम ना सामान रुखसत जो है वो पैक कर लेते हैं, क्या पता भी जाना पड़ जाए। हाँ जी, क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं, ये जितना आपने बोला था आप भूल गए थे, उतना बोलना था जितना मेरे से बात में मार खानी थी। घर भोजन देना है, मारा था, पीटा था। लो जी, आपका तो काम हो गया, आपका घर 2 घंटों के अंदर अंदर खाली। चलो शुक्र है। हाँ जी समरी, जाओ जगह भाई के लिए एक कप चाय बना कर ले। चाय? चाय तो बिल्कुल भी नहीं। जी टाइम खाने का ना। पर जी, खाना तो हमने बनाया ही नहीं। मोबाइल है? हाँ जी है। वेरी गुड, अभी फोन करो, खाना मंगाओ। समरी खाना मंगवा दो। वैसे आप क्या खाना पसंद करेंगे? चिकन कढ़ाई, 4 नान। खाना तो मैंने रज के खाया, लोग खाते हैं, इधर तक मैंने खाया, इधर तक बड़ा मजेदार था। ये कहीं करीब से मंगाया है? जी जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जगह भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरा हक था, फर्ज था। जगह भाई ये रख लीजिए। मैं तो कहता हूँ इसको रहने देती है, इसको रहने दो, मैं कह रहा हूँ बस रहने दो। आप इतना जिद कर रहे हो तो रख ही लेता हूँ। तो वो साथ काकी, वो जो जेवर और पाउंड शाउंड पड़े हैं वो भी जरा ले आओ। कौन से जेवर? कौन से? मैं कह रहा था वो वाले जो नहीं है। चल मेरी छोटी बहन उठ, शाबाश मेरी छोटी बहन, बल्कि मेरी सक्की ते पक्की ते ट्रीट बहन शॉप। मैं शरीफ हूँ, इसका कुछ पता नहीं। ले भाई, इसमें तो पूरा है, पाउंड भी, जेवर। गुड हो गया, गुड गुड हो गया, कड़े मड़े सारा। ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे पास ये सब भी है? ये मेरी जरा फेसबुक फ्रेंड है, वो किलर सीना, मैं ही तो हूँ। आज जब इसने ना तस्वीरें टैग की ना सामने, सारा जेवर पहन कर, मैं समझ गया इस घर में पैसे हैं। तो ठीक है, फिर खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, तो भाई को इजाजत दो। तो बहने भाई के घर जब भी आएंगे खाली हाथ आए कभी नहीं है, ये रखो मेरी तरफ से 2-3 दिन का खर्चा शर्चा। समरी तुम्हें बहुत शौक हो रहा था फेसबुक पे तस्वीरें लगाकर टैग करने का, मेरी तस्वीरें तो लो, तस्वीरें तो लो। अब मैं लेती हूँ ना तुम्हारी तस्वीरें मरने की, वो टैग करना सबको। नवाब सर, मेरा तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। आपको पता है जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा घर मिला है रहने के लिए। मानो बेगम बस क्या करें, दिल तो हमारा भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, बस जो अल्लाह को मंजूर। नवाब साहब, पर अब हम जाएंगे कहाँ? बस क्या बताएं भाई, बहुत बड़ी जमीन है खुदा की है। बहरहाल आपके लिए तो आपके वालिदैन का घर हम आपको वहां छोड़ देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। भाई क्या कह रहे, मजा ही आ गया है। लो बताओ, तुम लोगों ने ना आपको मजाक समझा हुआ था,
भाई हमने ऐसा चक्कर चलाया, क्या वॉशिंग मशीन चलती होगी भाई? ले मेरी जान, जग्गे ने अपना वादा पूरा किया। ये रे जेवरात, जग्गा एक चीज भी नहीं, ये रे तेरे चार कड़े, ये रजिस्ट्री तेरे घर की, ये तेरे डॉलर पाओ, जा बाबू अय्याशी कर। ये ले जग्गा भी यारों का यार है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, यकीन कीजिए क्या बात है आपकी। तो अजीबोगरीब से कहावत याद आ गई कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा आने। ये नहीं, चोरों को पड़ गए मौत।